नमस्कार। मेरे कई परिचित लोगों का ये कहना था कि एवरी मंथ राशियों को क्या फल मिलेगा उसके बारे में मुझे बात करनी चाहिए। अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उस तरह के जो मंथ है वह मंथ और एस्ट्रोलॉजी के बीच में कोई संबंध एस्टैब्लिश करना तकरीबन नामुमकिन है। और इसीलिए हमारी भारतीय सनातन वैदिक जो परंपरा है उसके आधार पर एक मास सबके लिए कैसा रहेगा वह आज से हम देखना स्टार्ट करेंगे। याद रहे, भारतीय परंपरा में मंथ की गणना दो तरह से की जाती है। एक पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक का जो समय है वह एक मास है, और एक अमावस्या से लेकर अमावस्या तक जो का जो समय है वह मास है। सो दोनों तरह की गिनती में कौन सही कौन गलत उसके बारे में हम नहीं जा रहे हैं। मेरी लिमिटेड रिसर्च के आधार पर मैंने ये देखा है कि अमावस्या से लेकर अमावस्या तक का जो समय है यदि उसको हम मंथ की तरह ट्रीट करें तो एस्ट्रोलॉजिकल सही जाने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्र 0 डिग्री पर होते हैं और फिर आगे जाके पूरे मंथ में उस तरह की एनर्जीज डेवलप होती है। तो उसके आधार पर अमावस्या से लेकर अमावस्या तक का जो समय है वो सावन मास कब स्टार्ट होगा, श्रावण मास कब स्टार्ट होगा, तो 5 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक सावन मास रहेगा। ये सावन मास हमारी सभी 12 राशियों को क्या परिणाम देगा और हमें कौन से रास्ते लेने चाहिए ताकि हम इस मास को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर पाए उसके बारे में आज बात करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशियों की हेल्थ में सुधार आएगा। उनको यदि कोई कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं पिछले समय में तो उनमें उनको राहत मिलेगी। यदि उन्होंने हेल्दी लाइफस्टाइल को एडॉप्ट कर लिया तो कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगी। वेल्थ के लिए उनका समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसमें भी यदि आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में हैं या फिर आपका व्यवसाय किसी भी तरह से फॉरेन से जुड़ा हुआ है तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। रिलेशनशिप के लिए आपको ये मंथ संभालना होगा। यदि आपने रिश्तों को टिकट फॉर ग्रांटेड लिया तो कुछ गलत फहमी हो सकती है, उससे मन दुख भी हो सकता है। एजुकेशन के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि आपने अच्छी तरह से पढ़ाई की तो उसके अच्छे परिणाम आपको आगे जाके प्राप्त होंगे। वृषभ राशि के लिए यह समय कैसा रहेगा अब देखते हैं। सावन मास वृषभ राशि के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा एज़ फार एज देयर हेल्थ इज़ कंसर्न। फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तीनों तरह की हेल्थ में सुधार आएगा। हालांकि वेल्थ के लिए समय थोड़ा बहुत स्लो डाउन करने वाला रहेगा। यदि आप खुद के व्यवसाय में हो तो आप देखोगे कि जो ऑर्डर्स आपको मिले हैं उसका पेमेंट आपको नहीं मिला और उसके आधार पर उसके कारण आपको थोड़ा बहुत दबाव फाइनेंशियल क्रंचीज में लगेगा, लेकिन ओवरऑल ये समय आपके लिए अच्छा ही है। यदि कोई व्यक्ति अपने लव लाइफ को लेकर चिंतित है इस समय के दौरान तो वह रिजॉल्व हो जाएगी। इतना ही नहीं, यदि कोई अविवाहित है और यदि अच्छे जीवनसाथी की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त है तो इस समय के दौरान, इस मास के दौरान उनको सफलता भी मिल सकती है। एजुकेशन के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को चाहिए कि यह समय अच्छी तरह से उपयोग कर लें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिथुन राशि। मिथुन राशि को अपनी हेल्थ को संभालना होगा। यदि पिछले कुछ समय से उनकी हेल्थ में कोई कॉम्प्लिकेशन चल रहा है तो उनको टिकट फॉर ग्रांटेड ना लेते हुए तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए या अपने पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स निकाल देने चाहिए, अन्यथा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज आगे से आगे हो सकते हैं। वेल्थ के लिए समय उनके लिए बहुत ही अच्छा है। अकल्पनीय लाभ होगा, जहाँ से उन्होंने सोचा भी नहीं होगा वहाँ से संपत्ति की प्राप्ति होगी। रिलेशनशिप के लिए समय उनको बहुत संभालना होगा। छोटी बातों में बड़े मतभेद ना हो जाए, मेजर कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए वो उनको देखने होंगे। एजुकेशन के लिए समय बहुत ही चेतावनी देने वाला है। यदि आपने अच्छी पढ़ाई नहीं की तो आगे आने वाले समय में भी आप अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाओगे और उसके कारण आपके रिजल्ट के ऊपर गलत परिणाम प्राप्त होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कर्क राशि। कर्क राशियों की हेल्थ में सुधार आएगा। यदि पिछले कुछ समय से आपकी हेल्थ सही नहीं चल रही है तो इस मंथ के दौरान आपकी हेल्थ सही होगी, दवाई काम कर जाएगी और रेगुलर लाइफस्टाइल को जीने से आपकी हेल्थ में अकल्पनीय सुधार आएगा।
वेल्थ के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है। उसमें भी यदि आप सैलराइज्ड हो, कहीं पर काम कर रहे हो, तो आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होने के प्रबल योग है। यदि आप खुद का व्यवसाय कर रहे हो तो ऑर्डर तो मिलेंगे, लेकिन समय पर पैसा न आने के कारण आप थोड़ा बहुत दबाव में रहोगे। रिलेशनशिप के लिए ये समय आपको बहुत संभालना होगा। कुछ छोटी गलतफहमी के कारण जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण संबंध है उसमें दरार ना आ जाए, वो आपको देखना होगा। एजुकेशन के लिए लक का सहारा आपको नहीं मिलेगा। यदि आपने लक के ऊपर छोड़ दिया तो आप देखोगे कि इस पूरे मास के दौरान, पूरे मंथ के दौरान जिस तरह की पढ़ाई आपने चाही थी वो आप नहीं कर पाओगे। तो टेक द चार्ज एंड ज़्यादा मेहनत करो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंह राशि। सिंह राशि के लिए हेल्थ के लिए समय बहुत ही एवरेज रहने वाला है। यदि उन्होंने टिकट फॉर ग्रांटेड लिया इस समय को, तो कोई परमानेंट डिसीज भी उनकी लाइफ में शामिल हो सकता है। वेल्थ के लिए समय बहुत ही गुड रहने वाला है। यह उसमें भी यदि आप फॉरेन कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हो तो आपको अकल्पनीय लाभ होगा। और आपकी बैलेंस शीट में आप देखोगे कि ये जो मंथ था वो मंथ सबसे अच्छा रहा। रिलेशनशिप के लिए आपको ये समय बहुत ही सेंसिटिवली हैंडल करना होगा। यदि आपने अच्छी तरह से चीज़ों को नहीं कंट्रोल किया तो आगे जाके वो जो संबंध आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था वह विच्छेद भी हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप ब्रेक भी हो सकती है। एजुकेशन के लिए ये समय बहुत ही एवरेज है। जितनी पढ़ाई करोगे उतना परिणाम आपको सुनिश्चित मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कन्या राशि। कन्या राशि वालों को अपनी हेल्थ के प्रति सजग होना पड़ेगा, कॉशियस रहना होगा, अन्यथा ये पूरा मंथ जो है वह आइदर एलर्जी रिलेटेड या फिर उनके पेट संबंधित कोई समस्या रहेगी और उसमें उनको मजा नहीं आएगी, बहुत सारी दवाइयाँ लेनी होगी। वेल्थ के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसमें भी यदि आप खुद का व्यवसाय कर रहे हो तो आपने जहाँ से सोचा भी नहीं होगा वहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी। रिलेशनशिप के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। आपका सोशल सर्कल इंक्रीज होगा, मीनिंगफुल लोग आपकी लाइफ में आएंगे। और यदि आप विवाह के लिए वेट कर रहे हो तो इस समय के दौरान आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। एजुकेशन के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है। यदि आप फॉरेन स्टडीज़ के लिए सोच रहे हो तो इस समय में यदि आप अप्लाई करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट तुला राशि। तुला राशि की हेल्थ में सुधार आएगा। यदि पिछले कुछ समय से कॉम्प्लिकेशन चल रहा है तो वह दूर हो जाएगा। हालांकि उनकी वेल्थ के लिए समय उनको सजग रहना होगा। उसमें यदि आप गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हो और यदि आप अच्छी तरह से चीज़ों को हैंडल नहीं करोगे तो आपके जो प्रोजेक्ट है वह प्रोजेक्ट आपके हाथ से जा भी सकते हैं और उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस आपकी बैलेंस शीट पर आ सकते हैं। यदि आप खुद के व्यवसाय में हो तो यह समय के दौरान आपको सुनिश्चित सफलता मिलेगी। आपकी रिलेशनशिप को आपको सेंसिटिवली हैंडल करना होगा। छोटी छोटी बातें जिनको आप इग्नोर कर रहे हो इनको इग्नोर मत करो। जो आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है उनको आप एड्रेस करो। ओवर दी टेबल बैठ के आप बातचीत करो तो आप शायद आपके जो मतभेद है उनको आप रिजॉल्व कर पाओ। याद रहे एजुकेशन के लिए यह समय आपको लक का सहारा नहीं मिलेगा। सो आपको जितना रिजल्ट चाहिए उससे आपको 10 या 20% ज़्यादा एफर्ट्स डालने होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को हेल्थ में यह समय बहुत ही अच्छा परिणाम देगा। यदि आपकी हेल्थ अभी ठीक नहीं चल रही है तो याद रहे सावन मास में आपकी हेल्थ में सुधार आएगा और ओवरऑल एक वेलबींग बनी रहेगी। वेल्थ के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यदि आपकी जॉब कंडीशन अच्छी नहीं है तो इस समय में सुधार आएगा। इतना ही नहीं, आप देखोगे कि इस समय में आपको अनएक्सपेक्टेड जगहों से पैसे मिल रहे हैं। यदि आप सिंगल हो और किसी योग्य प्राप्ति, जीवन साथी की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हो तो इस समय के दौरान उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। यदि आप ऑलरेडी मैरिड हो तो यह समय बहुत ही अच्छा व्यतीत होगा और एक मेमोरेबल स्मॉल जर्नी भी इस समय के दौरान होती हुई दिख रही है। एजुकेशन के लिए हालांकि लक आपको सपोर्ट नहीं करेगा और आपको जितना परिणाम चाहिए उससे 20 या 30% आपको एफर्ट्स ज़्यादा डालने होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट धनराशि। धनराशि के लिए हेल्थ के लिए यह समय बहुत ही एवरेज रहने वाला है। आइदर उनके पैर रिलेटेड कोई समस्या उनको हो सकती है और उसके कारण
दो चार दिन उनको शायद बेड रेस्ट भी करना पड़े, चोट लगने की संभावना है और उसके कारण उनको एडवेंचरस एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए। हालांकि वेल्थ के लिए उनको इससे भी ज़्यादा संभालने का समय है। यदि ऑन पेपर उन्होंने चीज़ों को सही नहीं किया तो आगे जाके लीगल कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो, उस तरह के ग्रह योग है। आपको चाहिए कि जो लोग आपको प्रॉमिस कर रहे हैं वो जो प्रॉमिस है वो आप ऑन पेपर ले लो, किसी की बातों में आकर आप कुछ कमिट मत करो, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान भी होगा। यदि आप सिंगल हो और इस समय के दौरान यदि आप आपके जीवनसाथी की वेलबींग के लिए कुछ ट्राई कर रहे हो या फिर जीवनसाथी की प्राप्ति के लिए कुछ प्रयत्न कर रहे हो तो आपको सफलता मिलेगी। आपका दाम्पत्य जीवन इस समय के दौरान बहुत ही अच्छा रहेगा और ओवरऑल फैमिली लाइफ जो आपकी है वो बहुत ही अच्छा जाने वाली है। एक फैमिली गैदरिंग भी होगा और उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों से आपको मिलना भी होगा। एजुकेशन के लिए ये समय आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने होंगे, जितना परिणाम चाहिए उससे 20% ज़्यादा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मकर राशि। मकर राशि की हेल्थ में सुधार आएगा। यदि कोई कॉम्प्लिकेशन चल रहा है पिछले समय में तो उसमें आपको रिजोल्यूशन मिलेगा, दवाइयाँ काम कर जाएगी या फिर आपकी लाइफस्टाइल में आप चेंज लाओगे और उसमें सुधार आएगा। वेल्थ के लिए समय ग्रेट रहने वाला है। आपकी संपत्ति में अकल्पनीय उछाल आएगा और उसमें भी अनएक्सपेक्टेड जगहों से आपको पैसों की प्राप्ति होगी। यदि आप सिंगल हो तो आपको जीवनसाथी की प्राप्ति होगी, यदि आप मैरिड हो तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ आप कहीं बाहर घूमने जाओगे और उससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। यदि आप एजुकेशन के लिए कहीं बाहर घूमना चाह रहे हो या फिर एजुकेशन के लिए पढ़ाई के लिए कहीं बाहर जाना चाह रहे हो आप, तो इस समय के दौरान आपको सुख रूप ट्रैवलिंग भी होगा और शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। ओवरऑल मकर राशि वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के हेल्थ में सुधार आएगा, हालांकि उनके मस्तिष्क रिलेटेड कोई समस्या आ सकती है या फिर उनके पैरों में कोई सूजन आने के कारण उनको कुछ समय के लिए बेड रेस्ट करना पड़े और थोड़ा बहुत टेंशन भी हो जाए उनकी हेल्थ के लिए, उस तरह के ग्रह योग है। हालांकि कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। वेल्थ के लिए समय बहुत ही ग्रेट रहेगा। यदि आप पिछले कई समय से अच्छे समय के लिए वेट कर रहे हो तो ये मन आपको निराश नहीं करेगा। जितना आपने सोचा था उतना टर्नओवर या उतना पैसा आपको सुनिश्चित मिलेगा। हालांकि आपकी फैमिली लाइफ के लिए या फिर रिलेशनशिप के लिए आपको बहुत ही सजग रहना होगा। सिबलिंग के साथ मतभेद होने की पूरी संभावना है। इतना ही नहीं, आपके दाम्पत्य जीवन में अप्स एंड डाउन्स आने की समस्या है। चीज़ों को लाइटली मत लेना और जो आपकी रिलेशनशिप है उनको टेक इट फॉर ग्रांटेड मत लेना, अन्यथा आने वाले समय में सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एजुकेशन के लिए समय बहुत ही एवरेज रहेगा, जितनी मेहनत करोगे उतना परिणाम सुनिश्चित प्राप्त होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए हेल्थ के लिए समय ओके रहेगा। कोई बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं है लेकिन वो ग्रेट भी फील नहीं करेंगे। एक तरह की मायूसी रहेगी हेल्थ के लिए, मूड नहीं है वैसा वो फील करेंगे लेकिन बीमार नहीं होंगे। वेल्थ के लिए उनको अपने खर्च के ऊपर काबू रखना होगा। कोई बड़े ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, संपत्ति में कोई उछाल भी नहीं आएगा और यदि उन्होंने फ्यूचर एंटिसिपेशन में आकर खर्च कर दिए तो उनको आगे जाके पछताना होगा, तो उनको अपने खर्च के ऊपर काबू रखना होगा। रिलेशनशिप के लिए समय बहुत ही एवरेज है। कोई दुखद घटना भी नहीं होगी तो कोई सुखद घटना भी नहीं होगी। हालांकि सावन मास के बीच में फैमिली गैदरिंग के कारण सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। एजुकेशन के लिए समय बहुत ही एवरेज रहेगा। जितनी मेहनत आप करोगे उससे थोड़ा कम परिणाम मिलेगा। सो यदि आपको 100% चाहिए तो आपको 110% एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ओवरऑल आने वाला ये सावन मास हम सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाए, ऐसे ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु, प्रणाम।